तो चलिए जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो PUBG मोबाइल इंडिया की तरफ से आज एक फिर ऑफिशियल खबर निकल करके आई है। आप लोग बहुत बोलते थे कि भाई हमें ऑफिशियल खबर ही जब आए तभी बताना, तो भाई ऑफिशियली खबर चल रही है अभी दो तीन दिन से। तो क्या खबर आई है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो एक खबर ये भी निकल कर रही है और ये भी ऑफिशियल है भाई, यहाँ कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि भाई यहाँ पर टेंसेंट से जो है वो यहाँ पर पबजी मोबाइल ने टाइप तोड़ दिया, आप सभी जानते हो भाई। और यहाँ पर जो दोस्तों वो क्राफ्टन के साथ सारा सीन उनका चल रहा है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ नहीं कर रही है जबकि टेंसेंट का कोई भी हाथ नहीं है पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर भी इसका एक बड़ा रीज़न निकल करके आया जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना भाई। तो चलिए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में जो कि निकल कर रही है पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से, और ये एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक गेमिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो हेड डेवलपमेंट है क्राफ्टन के, जिनका नाम है शीन होनिल्स शोन, जी हाँ, तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक को फाउंडर है नॉर्डविन गेमिंग के, यहाँ पर ये लोगों को इन्वाइट किया गया था। और यहाँ पर एक तरीके से इन लोगों का जो है वो एक इंटरव्यू हो रहा था जिसके दौरान यहाँ पर जो राठी जी है उन्होंने यहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में इनसे सवाल पूछा कि भाई कब आएगा और क्या सीन चल रहा है। तो उस पर इन्होंने भाई कुछ रिप्लाई दिया है, तो अभी मैं आपको उनका वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा भी। तो यह रही उनकी वीडियो। But what I can tell you that is we care about Indian market greatly, and also that's why I get to know you and get to know a lot of friends in Indian gaming industry now. So definitely, I think we will work hard to make it happen. That's the best someone can ask for, right? And that's just, I think that's what I'm taking away from this. There is intent. There is a desire to go over and make this happen. Rest, yep. We have to sometimes leave it to the other people to go over and also go over and make it happen in some way or form. Yep. No, I appreciate that. I really appreciate. तो जैसा कि भाई आप लोगों ने इनका वीडियो क्लिप देखा, आप लोगों ने क्लियरली देख लिया होगा, इन्होंने बोला भाई, जी हाँ, शॉन जी ने, कि भाई हम लोग जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं कि भाई इंडियन मार्केट में जो पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च हो जाए। और इंडियन मार्केट ये लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी जानते हो भाई पबजी मोबाइल का क्या क्रेज़ है इंडिया के अंदर, लोग भाई पागलों की तरह दीवानों की तरह फैन फॉलोइंग है भाई। और आप सभी जानते हो भाई कि ये जो होनिल्स शोन है, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भाई एक डायरेक्टर भी, यानी कि रजिस्टर्ड डायरेक्टर है, जी हाँ, इंडियन सब्सिडियरी ऑफ पबजी के, जी हाँ, इंडियन सब्सिडियरी ऑफ पबजी के भाई रजिस्टर डायरेक्टर भी है ये। तो भाई इन्होंने क्लियरली भाई अपना जो वो चुप्पी तोड़ा है और बोला है कि भाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया में वापस लाने के लिए। खैर देखते हैं कि भाई ये कब तक हो पाता है। आपको इसके ऊपर क्या कहना आप कमेंट करके बताओ। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट रीजन दे रही है वायलेंस का, तो भाई वायलेंस क्या चीज़ में नहीं है भाई, मैंने आपको कल बताया भाई बॉलीवुड मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, और भाई क्या ही बोलूँ भाई, जाके ओशन भाई की वीडियो देख लो शॉर्ट वाली, उसमें पता चल जाएगा कि भाई किस में वायलेंस नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यार। तो अगर ऐसा ही चलता रहा है तो भाई की समझ में आ रहा है भाई कि हम लोगों ना वो जो अपना जो खेलते थे ना सबवे सफ़र और टेंपल रन, वही सारे गेम्स खेलना पड़ेगा, और भी काफ़ी सारे जो गेम थे टाइम पास वाले, और भाई ई स्पोर्ट गया तेल लेने। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके बताना। खैर ये आप लोगों के लिए एक तरीके से अच्छी खबर है कि भाई यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जी हाँ कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। देखते हैं भाई कि अपना गेम कब तक वापस आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई अगले अपडेट के बारे में, जो मैंने आपको कल के दिन भी बताया था, आपको याद होगा दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो क्राफ्टन के चेयरमैन है उन्होंने भाई क्लियरली बोल दिया कि ये हमारे क्राफ्टन का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया का प्रॉब्लम है। लेकिन उसके नीचे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी थी जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि टेंसेंट को जो वो रिमूव कर दिया गया, जी हाँ, उससे पार्टनरशिप ब्रेक कर दी गई है। लेकिन क्राफ्टन के अंदर, जी हाँ, टेंसेंट का 16.4% का दोस्तों जो है यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ कि भाई शेयर होल्डर है, जी हाँ, टेंसेंट क्राफ्टन के अंदर, जी हाँ, यहाँ पर आप लोग क्लियर आपको नजर में आता होगा। इसका मतलब ये है कि भाई जितना भी सारा चीज़ प्रॉफिट होगा उसमें यहाँ पर भैया जो है वो 16.4% का प्रॉफिट जो वो टेंसेंट भैया ले जाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो वो इस वजह से जो वो अलाउ नहीं कर रही है। और भाई अगर क्राफ्टन जो वो 16.4% का जो भी इसका शेयर है वो सारी चीज़ें का जो वो सेटअप कर ले, मतलब इसका भी भाई सीन ख़त्म कर दे लोग, लेकिन भाई इसका भी क्या भरोसा है कि फिर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो भाई देखो, हो सकता है ये एक रीज़न हो, और इसको मेंशन भी किया गया था jamesfire.gg की पोस्ट पर, तो मैंने आपको बता दिया जाए। खैर देखते हैं भाई कि क्या होता है। अब तो भाई बहुत ज्यादा मेरे को फिक्र हो रहा है सच में
PUBG मोबाइल का पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि PUBG मोबाइल इंडिया अपना वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। ऑफिशियल न्यूज़ था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, आप लोगों तक पहुँचा दिया जाए। और एक तरीके से एक अच्छी खबर थी कि भाई ये लोग जो है वो मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए नहीं है, ये लोग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को जो वो कन्विंस करने में जो भी मतलब प्रोसेस है उसको फॉलो करके जल्द से जल्द जो वो लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं मार्च तक भाई एंड है, 31 मार्च तक देखते हैं आ पाता है या नहीं आ पाता है। आप मेरे को कमेंट करके अपने विचारधाराएं, इंडियन गवर्नमेंट जो ये सारी चीज़ें कर रही है PUBG मोबाइल इंडिया को लॉन्च को लेकर आपका इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आओ तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।